गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेसियों के पहचान पत्र बनाने पर तंज कसा है। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ही बूढ़े हो गए हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानते, इसलिए उनके पहचान पत्र बनवा रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस का संबंध जनता और सरकार से न होकर किसी गुट विशेष से रहता है। उनके नेता जेएमबी और एचयूटी जैसे आतंकी संगठनों पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं, जबकि भगवा को आतंकवाद और जाकिर नाइक को शांति दूत बताते हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एचयूटी के आतंकी और उनके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, यह दिग्विजय सिंह को सुनना चाहिए जो जाकिर नाइक को शांति दूत कहते हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश में कानून बना हुआ है। कभी भगवा को आतंकवाद बताते हो, कभी जाकिर नाइक को शांति दूत बताते हो, कभी राम मंदिर की निर्माण की तारीख गलत बताते हो। आपने कभी जेएमबी पे सवाल उठाया है? अभी हटके इतने आतंकवादी पकड़े गए, इन पे कभी आपने सवाल उठाया? इन्हीं पर सवाल क्यों उठाते हो आप? ये जान बूझ के उनकी आत्मा को दुखी करना, ठेस पहुंचाना और समाज को तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेसियों को तो ये भी नहीं पता कि हनुमान और बजरंगबली एक ही हैं। उनके दामाद रॉबर्ट बाड्रा कह रहे थे कि बजरंगबली और हनुमान अलग अलग हैं। अब इन पर क्या बोला जाए, चुनाव आते ही इनको बजरंगबली याद आते हैं, यह मंदिरों में जाते हैं, इनकी पूजा पाठ करने की ढोंग शुरू हो जाते हैं। इससे तो यह साबित होता है कि यह बजरंगबली का राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप ये देख रहे होंगे कि बजरंगबली का कैसे राजनीतिकरण कर रहे हैं। कल इनके जो दामाद जी थे रावण बाड्रा जी, वो कह रहे थे बजरंगबली और हनुमान दोनों अलग अलग हैं। और आप कह रहे हो कि आज धन्यवाद देने जा रहे हैं, वो कोई राहुल गांधी है क्या? मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।